सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट हमारी वीडियोस मिल सके, और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगती है, और वीडियोस लाइक भी कीजिए प्लीज। मैं हूँ आपका बेस्ट टेक का मेंबर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आज मैं आपको एंड्रॉइड के फीचर्स बताने जा रहा हूँ, जितने मैं बता सका तो उतने बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कोशिश करूंगा कम बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर है एंड्रॉइड में है, एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, ठीक है दोस्तों, और iOS में होता है एप स्टोर। तो दोस्तों iOS में जैसे कि होता है एप स्टोर, iOS एक मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड से। तो एंड्रॉइड में जैसे कि OS होता है, इसमें मतलब iOS होता है, मतलब जैसे उसमें 7.1.0 8 एंड्रॉइड वर्जन 8, और इसमें होता है, और इसमें ये 12.1.0 ऐसे। तो दोस्तों, मैंने iOS यूज नहीं किया, इसलिए मुझे इतना पता नहीं है आईफोन के बारे में। ये आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे iOS के बारे में इनकी जब बात ट्रायल आएगी। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक और फीचर बताने जा रहा हूँ, इसमें ब्लूटूथ। आप एंड्रॉयड को किसी भी मोबाइल से कर सकते हैं, आईफोन अगर ब्लूटूथ से आईफोन को आप एंड्रॉयड से ब्लूटूथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है। जैसा कि इसमें गूगल असिस्टेंट होता है, उसमें सीरी होती है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जैसे कि अभी आप दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे खोलते हैं सीरी। ये आ गया गूगल असिस्टेंट, अभी इसमें लिखा हुआ है हाउ कैन आई हेल्प यू, तो मैं ऐसे बोलूँगा, तो मैं ऐसे बोलता हूँ हाय, ओपन माई फेसबुक प्लीज, जैसे मैंने ऐसे बोला। ये देखिए फेसबुक के बारे में इसने खोल दिया, YouTube, ये YouTube खोल दिया इसने, आप जो बोलेंगे ये आपको वो करेगी। तो ये वो आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी सीरी में भी आप ऐसे ही बोलेंगे, तो इसमें बस। तो यहाँ तक ये फीचर, अभी एक और फीचर मैं आपको बता दूंगा, क्या आपको अगर स्पीकर वगैरह मतलब कनेक्ट करेंगे आप जैसे मतलब एंड्रॉयड में, तो इसको ब्लूटूथ से करेंगे, मतलब तो फिर ब्लूटूथ से करेंगे तो फिर आप गाने वाने मतलब सुन सकते हैं, आवाज़ आपके स्पीकर से ही आएगी। तो दोस्तों अब आते हैं iOS के फीचर पे, ये आपको iOS के फीचर्स बताएंगे। तो लो पावर मोड है जो एक फीचर है जो एप्पल ने डाला है, जो आईफोन 5 का जो स्टीव जॉब्स ने प्रेजेंटेशन दी थी उसकी,
जो अभी स्टीव जॉब्स जो 2011 में मर गए थे, स्टीव जॉब जैसी जो वही प्रेजेंटेशन आज तक कर नहीं पाए, टिम कुक भी नहीं कर पाए जो अभी न्यू आया है टिम कुक, उसने अभी न्यू लॉक लॉन्च किया है फोन अपना एक्सेस और एक्सआर और एक्सेस मैक्स। अभी जो मतलब अभी सैमसंग ने भी लॉन्च किया है वो नोट 9। अब मैं आपको फीचर जो बताऊंगा अभी वो है, सेटिंग्स में जाइए आपको एक शॉर्टकट का रास्ता मिल सकता है, अगर डबल टैप अगर आप होम बटन को करेंगे तो डबल ट्रिपल टैप करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा जिसमें एडजेक्टिव टच और बाकी सारी चीज़ें होंगी, स्विच कंट्रोल, मुझे ज़्यादा कुछ पता तो है नहीं, होते हैं मुझे याद नहीं है। और अभी ये 6 फीचर अभी मैं बताऊँगा, और है सेटिंग्स में जाइए आप, अगर आपको कोई फ़ोन मतलब स्टोलन हो गया हो तो आपको वो कोई आपका कोई फ़ोन की जो आईडी है वो कोई खोल नहीं पाएगा, उसको पासवर्ड अनलॉक करना पड़ेगा जो आपको कर नहीं सकता, तभी कोई आईफोन को चुराता भी नहीं। मतलब एंड्रॉयड तो एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने डिज़ाइन किया है ना, जी गूगल ने डिज़ाइन किया है, अभी वो है मतलब फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम में हर कुछ हो सकता है, सिर्फ आईफोन में नहीं हो सकता क्योंकि वो एक उसकी अपनी एक जेल है जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं आ सकता, वो अपने कुछ वायरस नहीं आने देता अपने फोन के अंदर, एंड्रॉयड में भी नहीं आते दोस्तों, आते हैं तो लोग क्लीन कर देते हैं सारे, क्लीन अप हो जाते हैं फिर जी साफ हो जाते हैं। मतलब आईफोन के अंदर एक जेल है वो पूरी तरीके से बंद है। मैं और ये जो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम का है जो एंड्रॉयड है, जो गूगल ने नाम दिया था इसको एंड्रॉयड का, तो अब एंड्रॉयड गया। अब मैं बताऊंगा आपको 7 फीचर, सेकंड लास्ट फीचर जो है, सेटिंग में जाइए तो जनरल में जाकर आप करेंगे एडिटेड प्रेस से, अगर आप परेशान हैं इधर उधर चला जाता है तो घूम जाता है तो आप ऑफ कर सकते हैं उसे दोस्तों। एंड्रॉयड में एडिटेड टच नहीं होता, आईओएस में होता है, डाउनलोड करना पड़ता है इसमें। और ए लास्ट फीचर है जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो है, सेटिंग्स में जाइए जनरल में जाइए आप, और कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर जब आपके आ रहा हो, मतलब आपके जो फीचर्स है ना 2014 के आगे सिर्फ फोन है या 2014 का फोन है आपके पास आईफोन, उसमें आपको सारे लेटेस्ट वो अपडेट्स मिलेंगी, और उससे जो पीछे वाले जैसे 5 हो गया, 5C हो गया, 4S हो गया, इनमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलेंगे, जैसे iOS 11 भी नहीं मिला, iOS 12 भी नहीं मिला, मुझे मिला है iOS 12.1.2। अभी जो अभी 2020 में जो 2019 में जो अभी आएगा ना आईफोन ट्रिपल कैमरा, इसको अभी पता नहीं, शायद iOS 12 भी हो या शायद iOS 13 आ गई हो, मुझे ज़्यादा लीक किया है आपका आईफोन ने 3rd। सेटिंग्स में जाइए, और यही था आज की हमारी वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो फिर प्लीज हमें बड़ा मेहरबानी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि हम आपके लिए न्यू वीडियो ला करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो जाए और आपको न्यू से न्यू वीडियोस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।